टी वी एस इंडियन बाइक मेकर काफी शानदार बाइक से जो है अभी इंडिया के अंदर लेके आ रहा है। सो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज अंकुर और आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो टीवीएस की तरफ से जो न्यू बाइक्स आने वाली हैं उनके अंदर फर्स्ट बाइक है टीवीएस फियरो 125 सीसी के अंदर। टीवीएस की कोई बाइक अभी अवेलेबल नहीं है, फियरो काफी टाइम पहले आती थी और इसी साल ये बाइक अपने को देखने को मिलेगी। और इस बाइक में 125 सीसी 3 वॉल्व जो कि टीवीएस एंटॉर्क में आता है वही सेम इंजन इस बाइक के अंदर भी आएगा। टीवीएस की तरफ से आने वाली सेकेंड बाइक है एक एडवेंचर टूरर बाइक जिसका जो है टीवीएस ने रेडर के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। और जैसे कि BMW GS310 एंड G310R जो दोनों बाइक्स जो हैं TVS के इंजन पे ही बेस्ड बाइक्स हैं, तो TVS जो है इस तरह की बाइक्स बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। होपफुली अगर TVS इस तरह की बाइक बनाता है तो TVS अगर कोई ऑफ रोड बाइक बनाता है जिसके अंदर सारे फीचर्स वो ऐड कर दे जो अपाचे 310R के अंदर है तो काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि BMW G310GS जो है उसकी जो कॉस्टिंग है सर्विस कॉस्ट वगैरह वो काफी ज्यादा है, लेकिन टीवीएस अगर वो बाइक लॉन्च करता है तो शायद सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफी हद तक कम हो सकती है। इसी लिस्ट में जो थर्ड बाइक है टीवीएस जैपलिन जो कि क्रूजर बाइक टीवीएस लाने वाला है और ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं इस बाइक को एज ए कॉन्सेप्ट देखते हुए, लेकिन अभी तक ये बाइक जो है लॉन्च नहीं हो पाई। 2021 के अंदर ये बाइक अपने को देखने को मिल सकती है और इस बाइक के अंदर जो है 313 सीसी का इंजन जो सेम टीवीएस अपाचे R310R के अंदर आता है वही सेम इंजन अपने को इस बाइक में भी देखने को मिलेगा। एंड अगर कॉस्ट की बात करें तो 2.75 से 3 लाख रुपीज के आसपास इस बाइक की प्राइस हो सकती है। फोर्थ बाइक है 180 सीसी के ऊपर। काफ़ी टाइम से टीवीएस ने जो है 180 सीसी सेगमेंट में कोई अपडेट नहीं किया है, तो ये जो बाइक है ये 180 या 200 सीसी इंजन के ऊपर बेस्ड हो सकती है। RSR 180 ये एक फुली फेड बाइक है, ड्यूअल हेडलाइट होगा इसके अंदर, स्पोर्टी एग्जॉस्ट होगा, रियर साइड से काफ़ी शार्प बनाई हुई है एंड ड्यूअल डिस्क ब्रेक विद ABS इस बाइक के अंदर हो सकता है। और ये एज ए कॉन्सेप्ट बाइक है इस साल या फिर इससे नेक्स्ट ईयर जो है ये बाइक अपने को देखने को मिल सकती है। फिफ्थ जो बाइक है RN 180 नेकेड। इस बाइक में जो है थोड़ा बहुत चेंज किया गया इसके टैंक पे एंड उसके अलावा जो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं, बाकी इंजन एग्जैक्टली सेम है जो आपने RS 180 में देखा वही इस बाइक के अंदर इंजन होगा। प्राइस क्या हो सकती है वो अभी तक कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो होप करते हैं कि ये बाइक जल्दी अपने को देखने को मिले। सिक्स नंबर पे आपको बाइक मिलेगी RS 180 जो कि एक सेमी फेड बाइक है। इसके अंदर फेयरिंग जो है वो थोड़ी बहुत कम की गई है एंड बाकी सब सेम होगा एज RSR 180 और साथ ही में फ्रंट में थोड़ी सी फेयरिंग मिलेगी इस बाइक के अंदर। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट बाइक्स हैं इनके अंदर थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस या टैंक पे या फिर फेयरिंग पे चेंज करके टीवीएस इन बाइक्स को ला सकता है। इंजन में भी 180 या 200 सीसी इन बाइक्स के अंदर हो सकता है। तो आई होप कि ये क्विक डिटेल्स अबाउट टीवीएस की न्यू बाइक्स के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इस वीडियो को देखने के लिए।